नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में यूपी कॉप नाम की इस ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कई ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि FIR, कंप्लेन, परमिशन, सर्विसेज, जिसमें आपको सर्विस के ऑप्शन में जाके क्लिक कर देना है। सर्विस के कॉलम में जाके आप उसके पहले ऑप्शन यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेड सर्विस 50 रुपीज में जाके क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने लॉग इन पेज खुल के आ जाएगा। अगर आपने यूपी कॉप नाम की इस ऐप पे पहले भी अकाउंट बना रखा है तो आप उसकी डिटेल्स एंटर करके सिंपली लॉग इन कर देंगे। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप साइन अप करके अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना नेम, अपना मेल आईडी, अपना फोन नंबर और अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड आप अल्फाबेट और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन रखेंगे और वही पासवर्ड आप कन्फर्म करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको दोबारा से लॉगिन के पेज में जाना है और वहां डिटेल्स फिल करके लॉगिन कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपके सामने कैरेक्टर सर्टिफिकेट खुल के आ जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्म को फिल करने के लिए आपका पहला ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर जनरल और कॉन्ट्रैक्टर, इसमें आपको जनरल में टिक करना है। सेकेंड आपके सामने है बेसिक डिटेल्स, इसमें आपको सेल्फ के ऑप्शन में क्लियर करके आगे बढ़ना है। देन आपको नेम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, फादर नेम, एज, जेंडर, अपना प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। साथ ही साथ अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना नियर बाय पुलिस स्टेशन भी आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, इसका मतलब है आप अपने एड्रेस में कितने टाइम से रह रहे हैं, ये भी आपको यहाँ मेंशन करना है। सेकेंड आप पे एक नोट है परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इसका मतलब है अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप इसको चेक करके आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं है तो आप अपने परमानेंट एड्रेस के यहाँ पर डिटेल्स को फिल करेंगे। इसके बाद ही आ जाता है आपके सामने डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आपका पास्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है तो आप इसमें यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद आपको अपनी एक फोटो अपलोड करनी है, उसके बाद डिक्लेरेशन को अग्री करके आपको सबमिट के बटन को प्रेस करना है। सबमिट करते ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपको आपका रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट का, तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन में जाके क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है, जिसको आपको सिंपली क्लोज कर देना है। देन आपके सामने कंफर्मेशन ऑफ ई पेमेंट का पेज खुल के आ जाता है, जिसमें ऑलरेडी डिटेल सारी फिल होती हैं। उसमें मेंशन होता है कि आपको 50 रुपीज का चार्ज देना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड के बटन को क्लिक करना है और नेट पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। नेक्स्ट पेज आपका खुल के आ जाता है, जिसमें मोड ऑफ पेमेंट लिखी होती है। अगर आप SBI से नेट बैंकिंग करते हैं तो आपको कोई भी बैंक चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप अदर बैंक से करते हैं तो आपको कुछ बैंक चार्ज देना होगा। आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और साथ ही साथ आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने UPI के ऑप्शन में जाके क्लिक कर लिया है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा, जिसके बाद आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, VPA और QR कोड के। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, आप QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं और VPA यानी अपने मोबाइल नंबर से भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा करते ही आपके सामने SBI की तरफ से एक ये पेज खुल के आ जाएगा। साथ ही आपके सामने एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा, एक मैसेज आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, जिसमें जाके आपको पे का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ आपको पे करना है। पे के बटन में क्लिक करके आपकी ऑटोमेटिक पेमेंट हो चुकी है। अब आपको बैक एप्लीकेशन में जाना है और ट्रांजेक्शन डिटेल्स देखनी है। आप वहां से अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र इजीली ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, यह थी हमारी आज की वीडियो।
इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।